Welcome to Series 3. Series 3 is based on play therapy and group therapy. This is the golden time जहाँ पे हमको घर पे सारे फैमिली मेंबर्स मिल रहे हैं, स्पेशली पापा मिल रहे हैं और आल्सो मामा मिल रहे हैं एंड नो मेट्स. सो ये टाइम में हम बच्चे के साथ ग्रुप कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी मेंबर्स को कोई बहाना नहीं मिलेगा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, घर पे मतलब ऑफिस जाना है, ऐसा कोई टाइम नहीं मिलेगा. अरे यार, आई एम जस्ट जोकिंग. सो आपको ग्रुप मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को मोटिवेटेड करना पड़ेगा और थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ेगा फॉर योर चाइल्ड, ताकि वो लोग ग्रुप थेरेपी में आपको हेल्प आउट करें. देन ग्रुप थेरेपी में हम करेंगे क्या, दो तीन गेम्स आप नोट डाउन करिए, आप उसको करा सकते हैं. जैसे कि नेम रेस्पॉन्स गेम, जैसे आपने ग्रुप बनाए और सब कोई अपने ग्रुप में अपने अपना नाम बताए, जैसे बच्चा अपना नाम बताए मान लो आदि, देन पापा अपना नाम बताए पापा, नॉट हिज नेम पापा, फिर मम्मा बताए मम्मा, फिर दादी बताए दादी, लाइक दिस. इससे क्या होगा, फैमिली मेंबर्स का ओरिएंटेशन बच्चे को रहेगा. देन जो ग्रुप लीडर है, जैसे स्पेशली मदर रहती है, तो बोलेंगे कि मैं जिसका नाम लूं वही हैंड्स अप करेंगे, तो उस समय जो बगल में जो रहेंगे वो टीम मेंबर, वो बच्चे को हेल्प आउट करेंगे. यहाँ पे बच्चे को हेल्प आउट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने गेम शुरू कर दिया बच्चा आपको करके दे देगा. अगर बच्चा कर पाता तो ये सब प्रोग्राम का क्या जरूरत है, इसीलिए आपको बच्चे को हेल्प आउट करनी है. ग्रुप में आप नेम कॉलिंग गेम्स कर सकते हैं, कुछ ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे टर्निंग, हॉपिंग, जंपिंग, कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं कि हम जिसका नाम लेंगे वो दौड़ के जाके ये लाएगा, उसको एक ट्रॉफी मिलेगी. देन ओरिएंटेशन टू द सराउंडिंग कर सकते हैं लाइक दिस. ग्रुप में आप रिंगा रिंगा रोजेस खेल सकते हैं, ग्रुप में हम घोड़ा घोड़ा खेल सकते हैं, जैसे बच्चों को बचपन में खिलाया जाता था, घोड़े पे बैठो और फिर चलाओ, फिर गिराओ. हाँ, देन टग ऑफ वॉर खेल सकते हैं, देन पेंटिंग कर सकते हैं ग्रुप में, जैसे हैंड पेंटिंग करके हम बीच में रख के कर सकते हैं, बड़ा सा पेपर बीच में रख के हम उस पर स्क्रिबल कर सकते हैं एवरी फैमिली मेंबर्स. देन हम शेयरिंग कर सकते हैं, टिफिन शेयरिंग कर सकते हैं लाइक दिस. देन बॉल पासिंग एंड कैचिंग गेम कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल ग्रुप गेम्स जो आपको मेरे से भी अच्छा पता है, बट आप उसको इफेक्टिव बनाइए. देन आपका रहा एक प्ले थेरेपी. प्ले थेरेपी में आपको बच्चे का एज के हिसाब से नहीं, रादर देन इसके कॉग्निटिव लेवल और फिजिकल लेवल के हिसाब से करना चाहिए. जैसे आपके बच्चा अगर इंडिविजुअल खेलना पसंद करता है, तो धीरे धीरे इसको पैरेलल प्ले के तरफ ले जाइए. पैरेलल प्ले मतलब कि बच्चा इंडिविजुअल खेल रहा है, उसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, तो आप उसके बगल में बैठ के आप कुछ खेलो, या दो लोग मिलके, दो डिफरेंट लोग मिलके खेलो, ताकि आपके खेल के प्रति बच्चे का इंटरेस्ट आए और बच्चे को बार बार उस समय उसके नाम लेके इधर देखो हमसे खेलो ऐसे नहीं करनी है. तो आप, जैसे हम सबको पता है प्ले इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द चाइल्डहुड. प्ले से बच्चा एनवायरमेंटल इंटरेक्शन सीखता है, सोशल इंटरेक्शन सीखता है, इससे इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और न्यू स्किल सीखता है. और ऑटिज्म बच्चे भी प्ले, ऑटिस्टिक बच्चे भी प्ले करते हैं, बट उनके प्ले थोड़ा स्टीरियोटिपिकल रहता है, उसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है. तो बेसिकली प्ले थेरेपी जब आप इंडिविजुअल दे रहे हैं, उस समय उसके टॉयज के साथ आप भी खेलो, उसको बार बार इरिटेट नहीं करना है, और आपके उसके साथ मिल के खेलो. अगर वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो आप उसके बगल में बैठ के खेलो, हाँ, सो दैट आपका एक्टिविटीज के तरफ उसका ध्यान आए, रादर देन आप उसको जबरदस्ती उसकी दुनिया में घुस के उसको इरिटेट कर रहे हैं. आई थिंक इफ यू डू दिस प्ले थेरेपी एंड ग्रुप थेरेपी इन ए प्रॉपर वे एंड मेक योर प्ले एज एन इफेक्टिव प्ले, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो चाइल्ड, एनवायरमेंट, पीपल एंड ऑब्जेक्ट के बीच में. राइट डाउन योर कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल नो कि आप वो चीज घर पे कर रहे हैं कि नहीं. थैंक यू सो मच. वॉज द फोर्थ सीरीज.